हेलो बच्चों वेलकम बैक तो मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर भागिशी और बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बट बेटा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन एज़ अ प्रोसेस क्या है सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे आज हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली शन मीन्स उसके बाद हम देखेंगे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के कितने अलग अलग हमारे टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या होता है तो ये सारी चीजें आज हम इस पूरे के पूरे लेक्चर में समझने और सीखने की कोशिश करेंगे अब हम आते हैं टू द पॉइंट वॉट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बेटा होता क्या है सो so, री का मतलब क्या होता है बेटा री का मतलब होता है दोबारा डैट मीन्स अगेन सो हियर री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा प्रोडक्शन का मतलब सिंपली होता है बनना और वी कैन से सिंपल वर्ड्स में टू मेक है ना किसी भी चीज की दोबारा से बनना दोबारा से प्रोडक्शन होने को ही हम कहते हैं रिप्रोडक्शन सो बायो के लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें वॉट इज रिप्रोडक्शन सो इट इज दी प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स को बर्थ करते राइट डेट इज रिप्रोडक्शन लेकिन क्या बेटा रिप्रोडक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं इज there एनी distinctions बिटवीन रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑल्सो द आंसर इज ये दुनिया में बेटा बहुत सारे बहुत सारे अलग अलग जीव है है ना बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है तो सिंपल सी बात है हर किसी की स्टाइल अलग अलग होगी इनफैक्ट अगर हम अपने क्लास में देखें बेटा हम अगर अपने क्लास में कंपेयर करें एवरी वन इज डिफरेंट किसी को कर्सिव लेटर में लिखना अच्छा लगता है कोई स्ट्रेट लिखता है किसी को बेटा गाना गाना अच्छा लगता है किसी को हो सकता है डांस करना अच्छा लगता है एवरी वन इज डिफरेंट तो अगर हमारे क्लास में सारे डिफरेंट है तो आप सोचो कितने सारे एनिमल्स होते हैं कितने सारे ऑर्गेनिज्म है एंड सबके अपने अपने तरीके होते हैं टू रिप्रोड्यूस तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के यस डेफिनेटली हमारे टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में दो बड़े बड़े कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं वन इज नोन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक क्या है बेटा ये है हमारा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दूसरा जो है इट इज नोन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसको हम कहते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेटा असेक्सुअल में क्या होता है असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व है ना इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं दूसरा जो टाइप है बेटा यहाँ पे टू पेरेंट आर इन्वॉल्व दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं और दोनों पेरेंट्स मिलकर बेटा क्या करते हैं डे रिप्रोड्यूस और डे गिव बर्थ टू एन इंडिविजुअल राइट तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है डिफरेंस मेन है उनके पेरेंट्स के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स होते हैं एक ही पेरेंट होते हैं एंड दे आर एनफ टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा दो हमारे अलग अलग पेरेंट्स होते हैं एंड बोथ ऑफ देम टूगेदरली रिप्रोड्यूस और टूगेदर रिजल्ट इन दमेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग अब यहां पर अगर देखिएगा आप अक्शुअल में बेटा, complex, कौन सा है? अब अगर हम बात करें ह्यूमन के बारे में वी ऑल आर ह्यूमन तो बेटा ह्यूमन में आप बताओ मुझे किस टाइप के रिपोडक्शन होंगे अल होंगे सेक्शुअल होंगे स्टॉप दीडियो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए ह्यूमन में किस टाइप की रिप्रोडक्शन होगी रिप्रोडक्शन या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर दैट ह्यूमन में बेटा होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इनफैक्ट हमारे कितने पेरेंट्स से बेटा दो पेरेंट्स है क्यों बिकॉज ह्यूमन आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म और जो बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली हम अपने बारे में बात करे, के बारे में में बात बात करें करें के तो बेटा हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल सिस्टम होते हैं इनफैक्ट आप देखोगे ना तो हम बेटा बहुत स्पेशल स्पेशल है वी आर वेरी वेरी एनिमल्स है तो हम एनिमल्स ही लेकिन बहुत स्पेशल है क्यों क्योंकि हम बोल सकते हैं वी हैव अ लैंग्वेज हमको समझ भी आता है ऐसा नहीं है कि दूसरे जानवरों को नहीं समझ आता लेकिन बेटा हम में जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो किसी में नहीं है सिमिलरली हमारे बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कुछ स्पेशलाइज तरीके से डेवलप्ड है ये ऑब्वियसली जितने भी हायर एनिमल्स है ऊपर के एनिमल्स है सब में डेवलप्ड है लेकिन यहां इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही स्टडी करेंगे तो जब हम ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं बेटा सो देर अ डिफरेंस बिटवीन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों क्योंकि दोनों के फंक्शन अलग अलग है मेल का फंक्शन है कि गैमेट की फॉर्मेशन करना और फीमेल का फंक्शन क्या है बेटा फीमेल का फंक्शन है गैमेट की तो फॉर्मेशन करनी है लेकिन उसके साथ इन्हें फिटनेस को एम्ब्रायो को डेवलप भी करनी पड़ेगी तो इसीलिए जाहिर सी बात है दोनों की सिस्टम अलग अलग होती है सो so, मेल की जो सिस्टम होती है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस और यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर डिफरेंट पार्ट टेस्ट वास्ट डिफरेंस एंड दिस एंड देयर आर सम हर किसी लेवलिंग की यहाँ जरूरत नहीं यहाँ हमें बस मेन मेन लेवलिंग देखनी है कि ये क्या है बेटी दिस इज नोन एज टेस्ट दिस इज नोन एज डिफरेंस ठीक है एंड दिस इज अ ग्लैंड व्हिच इज नोन एज प्रोस्ट ग्लैंड एंड दिस सारे के सारे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है लेकिन बेटा ये सिस्टम बनाता क्या है तो ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है ये बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल देखिए सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट्स कुछ बेटा स्पेशल सेल्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं गैमेट्स ठीक है जो भी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेल बनाएगा दो सेल्स आर नोन एज गैमेट्स हम उनको गैमेट्स कहते हैं तो ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है टेस्टर्स हमारे वासा अपना ये भी क्या करेंगे बेटा ये पूरी की पूरी की सिस्टम जो है इनमें भी होगा. In fact, this the part, जहां पे हमारे मेल गैमेट्स बनेंगे गैमेट्स क्या है अगेन कुछ स्पेशल सेल है जो रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द गैमेट जिसमें बेटा आगे जाकर फ्यूजन होगा तो पूरी की पूरी सिस्टम दी एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करेगी इट इज इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल और गैमेट्स टेस्टिस जो है विल प्रोड्यूस याद रखिए टेस्टिस विल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स इनको हम मेल गैमेट्स कहते हैं और दिस इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज स्पर्म सेल्स ठीक है तो so, टेस्टिस बनाएगा स्पर्म सेल्स मेल गैमेट्स तो so, बाकी के पार्ट्स क्या करेंगे बेटा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है पेनिस है वास डिफरेंस है ये क्या करेंगे ये उन स्पर्म सेल्स को ग्रो होने में उनको नरिशमेंट देने में उनकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे तो so, बाकी के जितने भी पार्ट्स है ये क्या करेंगे ये स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस तो नहीं करेंगे लेकिन उनकी ग्रोथ में उनकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस पार्ट्स आर नोन एज एक्सेसरी पार्ट एक्सेसरी पार्ट्स का मतलब है कि ये असिस्टेंट है यहाँ पे मेन हीरो बेटा टेस्टिस है जो स्पर्म सेल्स बनाएंगे बाकी क्या है कंडक्टिंग पार्ट है एक्सेसरी पार्ट्स है तो so ये पूरी की पूरी पार्ट मिलाकर क्या होता है इट फॉर्म्स द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिमिलरलीमिलरली बेटा फीमेल में भी ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है किस तरीके से अलग होता है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है देगलाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है बेटा इफ इट्स नॉट विजिबल राइटिंग अगेन तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूटरस ये क्या है बेटा दिस इज यूटरस इसमें क्या होगा इसमें होगा डेवलपमेंट ऑफ द बेबी तो बेबी की डेवलपमेंट ह्यूमन में जो है इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम कहते हैं यूटरस लेकिन लेकिन बेटा मैंने क्या कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं गैमेट्स जैसे कि अभी अभी हमने देखा था मेल में टेस्ट में हमारे सेल्स बन रहे है, जो गैमेट्स यहां पर बेटा कहां बनेंगे वेर दिस गैमेट्स आर फॉर्म सो यहां पे आप देख सकते हो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे दिज आर नोन ओवरीज ये है हमारी ओवरी दो होते हैं और ये ओवरी जो है दिस आर दाइड जहां पे बेटा फीमेल गैमेट जिसको हम एक्स सेल भी कहते हैं एक्स सेल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेट तो यहां पे बेटा फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन होती है दैट इज इन डी ओवरी और यहां पे आप देखो ओवरी इधर है, है ना और इधर है। तो ओवरी से जो एग है वो कुछ इस तरीके से एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पहुंचती है एक ट्यूब के थ्रू यहां पहुंचती है एंड ट्यूब इज नोन एज इस ट्यूब का भी बेटा नाम है दिस ट्यूब इज नोन एज ओवी मतलब ओवरी से रिलेटेड डक्ट, ठीक है ओवरी का डक्ट और ओवी डक्ट। इट इज आल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब इसका दूसरा नाम बेटा फेलोपियन ट्यूब भी है ठीक है और भी पार्ट्स होते हैं इनफैक्ट दिस पार्ट्स आल्सो हैव सम नेम बट हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है सो इट्स नॉट नेसेसरी राइट नाउ हायर क्लासेस में हम ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे लेकिन फिलहाल अभी हमें दो चीजें याद रखनी है ओवरी क्या फंक्शन है फीमेल गैमेट या हमारे या एक्सल की फॉर्मेशन होती है यूटरस बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बेटा बेबी या फिट की डेवलपमेंट होती है duct, जिसको हम ट्यूब भी कहते हैं इससे क्या होता है बेटा एक्सल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम द ओवरी टू ओवी डक्ट यहां पे भी अगर हम देखें इस सिस्टम का फंक्शन क्या होगा बेटा इस सिस्टम का फंक्शन सबसे पहले तो एक्सेल बनाना होगा बेटा नेक्स्ट होगा डेवलपमेंट ऑफ द फिटस मेल में ह्यूमन के मेल में बेटा फिटस की डेवलपमेंट नहीं होती है तो इसीलिए आप देख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी बैग लाइक -like स्ट्रक्चर है नहीं ठीक है लेकिन फीमेल के बॉडी के अंदर फिटस की डेवलपमेंट होती है जिसकी वजह से यहां ये बैग लाइक -like स्ट्रक्चर है, so दोनों के फंक्शनिंग थोड़े से अलग अलग होते हैं एंड थोड़े से अलग अलग होते हैं इनकी सिस्टम इनकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर अब आते हैं टूवर्ड्स पॉइंट दैट इज फर्टिलाइजेशन नाउ वॉट इज फर्टिलाइजेशन तो बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे कुछ सेल्स बनते हैं है ना? अभी अभी मैंने बोला था कि हमारे कुछ सेल्स बनते हैं स्पेशल सेल्स बनते हैं जिसको हम गैमेट्स कहते हैं सेक्स सेल्स कहते हैं अलग अलग नाम से जाना जाता है या या बेटा इन मेल इट इज नोन एज सेल्स एंड इन फीमेल इट इज नोन एज सेल्स और सिंपली एग ठीक है तो ये जो सेल है ये जो सेल है बेटा दे फ्यूज ये फ्यूज हो जाते हैं जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें हमारे ये जो स्पर्म सेल्स है दे गेट फ्यूज्ड सबसे पहले तो क्या होता है बेटा स्पर्म सेल्स जो है वो हमारे एक्स सेल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस उसके बाद धीरे-धीरे क्या होता है धीरे-धीरे स्पर्म सेल्स की जो न्यूक्लियस है बेटा इधर उस अंदर की तरफ वो मूव करने लगता है सेल तो रुक जाता है लेकिन न्यूक्लियस अंदर की तरफ मूव करने लगता है लेट अस दिस इज दी न्यूक्लियस और ये है हमारी एक्ट न्यूक्लियस फिर धीरे धीरे क्या होता है बेटा दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं और बेटा एक नए सेल की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं जाएगॉट इसे हम कहते हैं जायगॉट अगेन ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ तो इसीलिए हम सिंपली समझने की कोशिश करते हैं है क्या सो so बेटा मेल में स्पर्म सेल्स बनते हैं फीमेल में एग सेल्स बनते हैं कहा बनते हैं अभी अभी मैंने बोला था टेस्टिस में बनेंगे ओवरी में बनेंगे फिर क्या होगा स्पर्म सेल्स गेट अट्रैक्टेड बाय एग सेल्स दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होंगे स्पर्म सेल्स का जो न्यूक्लियस है दिस इज द न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस की धीरे धीरे क्या हो जाएगी बेटा फ्यूजन हो जाएगी दोनों nucleus fused हो जाएंगे और अल्टीमेटली एक ऐसा सेल बनेगा जिसमें क्या होगा दोनों न्यूक्लियस की क्वालिटी होंगे एंड दैट सेल इज कॉल्ड इसीलिए आप देखोगे बच्चे जितने भी होते हैं ना उनमें मम्मी पापा दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं है ना आके होते हैं पापा की तरह हेयर होंगे मम्मी की तरह स्किन कलर होंगे पापा की तरह क्यों क्योंकि ये जो न्यूक्लियस गया ना फ्यूज होने बेटा इसने अपने साथ साथ दोनों के इंफॉर्मेशन को भी मिला दिया कि इसकी आंखें कैसी होगी बाल कैसे होंगे तो इसीलिए इसीलिए ये जो सेल है ये किसके वजह से बना ये बना इन दोनों सेल के न्यूक्लियस के फ्यूजन के वजह से एंड ये जो दो सेल मिले ये जो दोनों सेल की फ्यूजन हुई दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन इसी प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन सो वट इज फर्टिलाइजेशन बेटा इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है इट इज नोन और इसी सिंगल सेल से इसी से एक पूरी की पूरी की की इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो जाती है बाद में जो कि अब हम देखेंगे ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो बेटा फर्टिलाइजेशन में क्या होगा फर्टिलाइजेशन में जाइॉट की फॉर्मेशन होगी लेकिन उसके बाद की जो कहानी है

और चार से इसी तरीके से आठ सिक्सटीन थर्टी टू सेल की डिवीजन कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी एंड एट सम पॉइंट एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें विल हैव सिक्सटीन सेल्ड कंडीशन सिक्सटीन सेल्ड कंडीशन आएगा और इसमें क्या होगा धीरे धीरे सेल जो है इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ लेयर वो धीरे धीरे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाएगा सारे के सारे सेल्स जो है बाहर की तरफ अरेंज्ड हो जाएंगे कुछ हमारे सेल्स होंगे जो बेटा इस तरीके से बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे और कुछ सेल्स होंगे जो अंदर ऐसे अपने आप को लाइन कर लेंगे तो यहां पे क्या होगा बेटा हमें एक ऐसा कंडीशन मिलेगा जिसमें हम कह सकते हैं दैट वी हैव अ बॉल ऑफ सेल हमारे पास क्या है बेटा एक बॉल ऑफ सेल है जैसे कि होते हैं ना फुटबॉल होते हैं बास्केटबॉल्स होते हैं तो उसी टाइप की बॉल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है इन हायर क्लासेस आपको इसका नाम पता चलेगा बट अगेन समझ में आए इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूं दिस इज नोन एज ब्लास्टुला ठीक है इस सेल कंडीशन को हम ब्लास्टुला कहते हैं तो आप देखो सिंगल सेल से कहानी शुरू हुई थी दो से चार बने चार से आठ में 16 सेल बने आठ से 16 के बीच में इस टाइप की अरेंजमेंट हो जाती है एक सेल बाहर का लेयर बनाता है कुछ सेल अंदर जमा हो जाते हैं ठीक है और धीरे धीरे बेटा इसी में और चेंजेस आते रहते हैं चेंजेस आते रहते हैं और इसके बाद जो स्टेज आता है उससे क्या होता है बेटा तीन लेयर ऑफ सेल्स बनते हैं तीन लेयर ऑफ सेल्स बनते हैं बाहर का जो लेयर है इससे हमारे स्किन हमारे हेयर ये सारी चीजों की डेवलपमेंट हो जाती है इन फ्यूचर ऑब्वियसली और ये जो मिडल वाला लेयर है बेटा इससे हमारे ऑर्गे की डेवलपमेंट होती है अंदर वाला जो लेयर है इसमें क्या होता है बेटा हमारे ऑर्गेन के अंदर जितनी लाइनिंग है हमारे ऑर्गेन के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है सेल्स है उनकी डेवलपमेंट हो जाती है डेट मीन जब ये सेल ह्यूमन में डेवलप होंगे तब ये सारी चीजें बनेंगे ठीक है सो मैं यहाँ नाम नहीं लिख रही हूँ सेल्स के बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड हम लिखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसीलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि होता क्या है सो so, बेटा ये स्टेज है ठीक है उसके बाद क्या होता है इस तरीके से तीन लेयर्स के हमारे अलग अलग बनते हैं और इन तीनों लेयर्स से कहीं ना कहीं पूरी की पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है अब देखो बेटा ये जो स्टेज है इसके बाद क्या होगा ये जो डिवाइडिंग सेल वाला बॉल बॉल है ना दिस विल मूव यूटरस यूटरस ये uterus की तरफ मूव होते जाएंगे और ये जो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई थी बेटा जाइगोट की फॉर्मेशन एक्चुअली हुई थी हमारे ओविडक में ओवीडक में जाइगोट की फॉर्मेशन हुई फिर धीरे धीरे अब वो यूटरस की तरफ मूव हो रहा है और इस सेल के बाद क्या होगा इट विल मूव टूवर्ड्स दूटरस एंड इम्प्लांटेड क्या है बेटा? इसका मतलब है कि सबसे पहले वो यूटरस की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद यूटरस पहुंचते ही ये जो बॉल ऑफ सेल्स है ये यूटरस के वॉल के साथ जाके बेटा चिपक जाएगा अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा और उसके बाद क्या होगा उसके बाद शुरू होगी द वडरफुल जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अन इंडिविजुअल सो आप देख सकते हो एक सेल से पूरी की पूरी कहानी शुरू होती थी अगेन एक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करें तो लेट अस रिज्यूम दिस इज दी ओवरी ठीक है ये बेटा ओवरी है दिस इज दी फेलोपियन ट्यूब और ये है हमारा यूटर दिस इज़ दी पार्ट ऑफ यूटरस मैं हाफ यहाँ पे यूटरस ड्रॉ कर रही हूँ तो बेटा जो एक्सल्स है उनकी फॉर्मेशन कहाँ होगी उनकी फॉर्मेशन होगी यहाँ और मैंने क्या कहा था कि हर महीने यूटरस की तरफ, करती है। तो यूटरस की तरफ जब वो मूव करेंगे कि पे उनकी फ्रेंडशिप हो गई स्पॉन्ग सेल्स के साथ दैट मीन की जो फॉर्मेशन है बेटा यहाँ होगी ओविडक में होगी तो यहां पे क्या होगा बेटा Zygote की फॉर्मेशन होगी जो पहला स्टेप है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं दिस स्टेप फिर सेल क्या करेगा Divide करेगा डिवाइड और लास्ट में क्या फॉर्म होगा बेटा ये जो ब्लास्टला वाला था मैंने जो कहा था एट टू सिक्सटीन एस सेल वाला कंडीशन ये फॉर्म हो रहा है और ये बाद में आके क्या करेगा अपने आप को यूटरस के वॉल के अंदर चिपका लेगा दिस इज नोन एज इंप्लांटेशन उसके बाद क्या होगा बेटा यहाँ पे यूटरस में धीरे धीरे एक ह्यूमन बेबी की डेवलपमेंट होगी सबसे पहले फर्स्ट मंथ में क्या होगा हार्ट की डेवलपमेंट होगी फिर बेटा जब सेकेंड मंथ कंप्लीट होते होते हाथ पैर इनकी डेवलपमेंट होगी 24 वीक्स में आप देखोगे कि हेयर वगैरह आंखों के लीड सब कुछ आ जाते हैं पांच महीने में जो फिटस है जो एम्ब्रायो है वो घूमने लगता है तो ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट होती है कितने महीनों में नाइन मंथ में और ये जो होता है, उसी को हम रिप्रोडक्शन की बात करें क्या रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन दोनों को अगर हम कंसिडर करें तो बेटा क्या हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है क्या हर ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं क्या एवरी एनिमल्स द आंसर इज नो द आंसर इज नो फर्टिलाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप फर्टिलाइजेशन के भी बेटा टाइप होते हैं कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया दो टाइप्स के होते हैं नंबर वन टाइप इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन

पानी इज लाइक एक्सटर्नल एनवायरमेंट वो बॉडी से बाहर है तो स्पॉम सेल्स भी पानी में रिलीज हो जाता है एग सेल भी पानी में रिलीज हो जाता है लेट अस अज्यूम कि ये है एक पॉन्ड और इस पॉन्ड में, में बेटा दो फिश है अब ये फिश क्या करेंगे मान लीजिए ये मेल फिश है और ये फीमेल फिश है तो ये अपने स्पर्म सेल्स पानी में रिलीज करेंगे ये भी अपने सेल्स पानी में रिलीज करेंगे तो इनकी जो फ्यूजन होगी जो फर्टिलाइजेशन होगी वो पानी में ही हो जाएगा That is external fertilization. That means क्या है? बॉडी बॉडी से बाहर जब फ्यूजन होगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और बेटा जब इनसाइड द बॉडी होगा बॉडी के अंदर जब भी फर्टिलाइजेशन होगी उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन के भी दो टाइप होते हैं एक्सटर्नल अगर बॉडी से बेटा बाहर हो रहा हो इंटरनल अगर बॉडी के अंदर हो रहा हो सो माई क्वेश्चन नाउ टू दैट दैटन में किस टाइप के फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल या एक्सटर्नल सो द आंसर विल बी ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बेबी की डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर होता है बेबी की फर्टिलाइजेशन या सेल्स की फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर ही होता है अब यहाँ पे भी ट्विस्ट होता है बेटा, पे भी ट्विस्ट है। कुछ ऑर्गेनिज्म को हम वाइवे पेरस कहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म को हम ओवीपेरस कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है वॉट डू वी मीन बाई अस ऑर्गेनिज्म एंड ओविपेरस ऑर्गेनिज्म तो अब बेटा कहानी क्या आती है कहानी आती है कि डेवलपमेंट कहा हो रही है ठीक है उस पर कहानी आती है अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो अपने ही तरह या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं जिनकी पूरी की पूरी बेबी की डेवलपमेंट उन्हीं के बॉडी के अंदर होता है जैसे कि ह्यूमन्स में ह्यूमन में बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद की भी जो पूरी कहानी है डेवलपमेंट जो पूरी होती है कहाँ होती है बेटा वो बॉडी के अंदर होती है सो so, यहाँ पे क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ बेबी और और डी एमरा जो भी आप कहना चाहते हो इनसाइड द बॉडी इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं इस कंडीशन को हम ये भी कह सकते हैं कि दे गिव बर्ड टू डेयर चिल्ड्रेन बर्थ जिसमें होता है ठीक है गिफ्ट बर्थ टू डेयर चिल्ड्रेन डेवलपमेंट कहा हो रही है बेटा बॉडी की इन साइड हो रही है दोन पेरस जैसे कि ह्यूम राइट वी आर बाइव ऑबी पेरस का क्या मतलब है बेटा यहां पर क्या होता है बेटा फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है इसमें एग्जाम्पल है हम ह्यूमन स में क्या होगा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है लेकिन बेटा डेवलपमेंट जो होती है बेबी की वो आउटसाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ एन एग मींस ये वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं अंडे देते हैं दे ले एग्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं बेटा जो ऑबीपरस है बर्ड्स आर वेरी गुड एग्जाम्पल तो हैनी लिख देते हैं अंडे तो हम खाते ही है अपने घरों में है ना तो ये क्या है बेटा ये है ओविपेरस एनिमल्स इन फर्टिलाइजेशन इनके भी इंटरनल होते हैं लेकिन बेबी की जो डेवलपमेंट है बेटा वो क्या है बेबी का डेवलपमेंट एग के फॉर्म में होता है बॉडी के बाहर होती है एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स वाइबेरस दे गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन ओविपेरस दे ले एग्स सो डे आर टू कैटेगरी इसके अलावा और एक चीज यहाँ पे हमें याद रखना है दैट इज डी एक्सक्यूज मी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी तो जो बेबी है बेटा उनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और उनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकती है ठीक है सो बेबी की डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है इनडायरेक्ट भी हो सकती है अब इसका क्या मतलब है डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एक आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ आप एक सिचुएशन सोचो आप अपने बारे में सोचो बेटा आप जो हो आप क्या है यू आर अ ह्यूमन और ह्यूमंस में क्या होता है कि ह्यूमन की जो बेबी है वो डिक्टो सेम होते हैं उनके पेरेंट्स की तरह डेट मींस हम मॉर्फोलॉजिकली या बेटा हम देखने में बिल्कुल सेम होते हैं इनफैक्ट हमारी जब बर्थ भी होती है तब भी हम देखने को बिल्कुल सेम रहते हैं हाँ हो सकता है हमारे हाथ छोटे होते हैं थोड़े से हेयर कम होते हैं दांत नहीं होते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारे कैरेक्टर सेम होते हैं वी लुक वेरी सिमिलर टू आवर पेरेंट्स राइट सो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है बेटा यहाँ पे जो भी पेरेंट का स्ट्रक्चर होगा जैसा भी पेरेंट दिखता होगा ठीक है वैसा ही ऑफस्प्रिंग दिखेगा ऑफस्प्रिंग का मतलब है उनके बच्चे ठीक है सो पेरेंट स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफस्प्रिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया था ह्यूमन का ही एग्जाम्पल ले लो ह्यूमन के एडल्ट में भी दो आंखें, एक नाक होर कुछ हे दो हाथ दो पैर होते हैं है ना ह्यूमन के बेटा बच्चे में भी दो आंखें एक नाक होठ कुछ बाल दो हाथ दो पैर होंगे सो वी लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स इवन ड्यूरिंग द बर्थ आल्सो। सो पेरेंट का स्ट्रक्चर ऑफ का स्ट्रक्चर बिल्कुल बराबर सेम रहेगा लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है बेटा बीच में कबाब की हड्डी भी होती है कबाब खाते होंगे अच्छा लगता होगा कबाब में कभी हड्डी होता है बेटा सीख कबाब में होती है कभी हड्डी नहीं होती है लेकिन कभी कभार निकल जाता है और यही जो कबाब में हड्डी है डेट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें क्या होता है बेटा पेरेंट तो है ठीक है लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ पेरेंट तो है लेकिन ये जो पेरेंट है बेटा पेरेंट सीधा उसी की तरह बच्चे नहीं बनते हैं पेरेंट ऐसा है तो बच्चे वैसा होना चाहिए बट ऐसा नहीं होता है सबसे पहले क्या होता है बेटा फ्रॉग जो है उसमें एक इस तरीके का इंडिविजुअल बनता है इस तरीके का इंडिविजुअल बनता है विच इज़ कॉमनली नोन एज टेटपोल इनको हम कहते हैं टेटपोल अब इसमें क्या होता है इसमें चेंजेस आते हैं इसमें डेवलपमेंट आता है ये ग्रो करता है तब जाकर इन फ्यूचर इसके जैसे एक फ्रॉक की डेवलपमेंट होती है मीन्स ये क्या है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ह्यूमन में क्या हो रहा था बेटा सीधा ह्यूमन से ह्यूमन ही बन रहे थे लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रॉग से सबसे पहले एक कुछ इंटरमीडिएट अजीब सा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म बना जिसको हम टेटपोल कहते हैं इसमें चेंजेस आए इसमें एक चेंज आया इसमें ग्रोथ हुई तब जाकर ये फ्रॉग बना प्रॉपर जो फ्रॉग वाली स्ट्रक्चर है बनी सो so, इस टाइप के डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और जो बेटा ये स्टेज है इस स्टेज को हम लार्वा भी कहते हैं इन सम सो दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज लार्वा ठीक है और ये इंसेक्ट्स में बहुत ज्यादा होता है मॉस्क्यूटो में आप देखोगे नॉर्मल मॉस्क्यूटो कैसा दिखता है बेटा नॉर्मल मॉस्क्यूटो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको लेकिन पानी में कभी मॉस्क्यूटो को देखना पानी में जो मॉस्क्यूटो होते हैं लार्वा होते हैं उनके वो वजह से कुछ कीड़े टाइप के होते हैं है, है ना फिर ये ग्रो करते हैं और ये ग्रो करके बेटा नॉर्मल मॉस्किटो बनते हैं तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि सीधा इससे इसी की तरह ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहे हैं। प्लस यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमारे बॉडी में डिफ्रेंशिएशन आते हैं आंखें बनते हैं अलग से हेयर बनते हैं हाथ बनते हैं पैर बनते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एस मेटामोरफोसिस मेटामोरफोसिस का मतलब क्या है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट इट इज नोन एज मेटामोरफोस और इसका मतलब क्या होगा बेटा अगेन आई एम रिपीटिंग मेटामोरफोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट और ये किसी भी इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी एनिमल के कॉन्टेक्ट में सही होगा तो आप देख सकते हो कैसे अलग अलग तरीके से एक यंग से एक एडल्ट की डेवलपमेंट हो सकती है तो सबसे पहले हमने क्या देखा सबसे पहले हमने देखा फर्टिलाइजेशन हुआ की फॉर्मेशन हुई धीरे धीरे डिवाइड होते होते बेटा ये बॉल वाला स्ट्रक्चर बना बॉल जाके यूटरस में चिपक गया बेबी की डेवलपमेंट हुई और बेबी के डेवलपमेंट के तरीके दो तरीके के होते हैं कभी कभार दे गिव बर्ड दे आर नोन एज बर्डरस लाइक कभी दे ले एग्स लाइक बर्ड्स आर नोन एज ओविपरस और बेटा डेवलपमेंट भी दो तरीके के होते हैं कभी कभार सीधा ऑर्गेनिजम्स की तरह ही उनके बच्चे होते हैं जैसे कि ह्यूमंस में और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट कभी कभार बेटा क्या होता है सिमिलर हमारे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जैसे नहीं बनते हैं एक बीच में कबाब का हड्डी होता है एंड दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अब हम आते हैं टूवर्स तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या था जिसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे इसकी कंडीशन क्या थी कि इसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व अब क्या इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं द आंसर इज यस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं जो हमारे बुक में दिया गया है सबसे पहला है budding in hydra. सबसे पहला क्या है इट इज दर्डिंग इन हाइड्रा एंड नेक्स्ट जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज दी बाइनरी फिशन इन अमीबा क्या है इट इज दी बाइनरी वैसे बहुत सारे होते हैं बट दिस टू आर मैं इन आवर एनसीआर सो इसीलिए हम आज के लेक्चर में बेटा इन्हीं को कवर करेंगे तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं विथ हाइड्रा तो हाइड्रा Hydra. So Hydra में देखिए होता क्या है हाइड्रा इज एक्चुअली एक एनिमल है बड़े ही गंदे शेप का एनिमल है जी भी उसकी शेप है देख के आपको लगेगा कोई फूल पत्ती है बट इट इज एन एनिमल सो दिस इज दी हाइड्रा कुछ इस तरीके से दिखता है वो अब इस हाइड्रा में क्या होता है बेटा उसके कुछ बहुत स्पेशल सेल्स होते हैं कुछ खास सेल्स होते हैं भगवान ने उसको कुछ सेल्स जो है वरदान में दिए हैं मान लीजिए वो सेल यहाँ है ठीक है अस अज्यूम वो सेल यहाँ है देयर आर सेल्स हियर और ये जो सेल्स है बहुत स्पेशल है दे आर नोन एज स्पेशल रीजेनरेटिव सेल्स रीजेनरेटिव का मतलब क्या बेटा रीजेनरेटिव का मतलब है जो दोबारा से बार बार चीजों को बना सके तो ये सेल ना फटाफट से फटाफट से डिवाइड करता है फटाफट एकदम उसका टाइम नहीं होता तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा हाइड्रा में सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर था ये जो रिजेनरेटिव सेल थे उनमें ग्रोथ होगी और ग्रोथ होते ही इनके डिवीजन की वजह से छोटा सा नन्हा सा बड बनेगा ऐसा छोटा सा हल्का सा एक्सटेंशन बनेगा इस बर्ड में बेटा ग्रोथ होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी धीरे धीरे ये बर्ड ऐसे ऐसे लंबा होके बढ़ने लगेगा आगे आप देख सकते हो किस तरीके से वो आगे बढ़ता जा रहा है और एक टाइम पे क्या होगा ये जो पूरी की पूरी बर्ड है बेटा इट विल गेट डेवलप इन टू एन इंडिविजुअल ये पूरा एक हाइड्रा बन जाएगा और जब ये एक हाइड्रा बन जाएगा ये क्या करेगा ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर निकल जाएगा ठीक है लेट अस यूम दिस इज बॉडी और ये डिटेच हो जाएगा रिलीज हो जाएगा और क्या होगा इट विल गेट डेवलप इन टू अंडिविजुअल रिजेटिव सेल्स थे छोटी सी बर्ड बनी दिस इज दर्ड है ना बर्ड में बेटा ग्रो होती गई आप देख सकते हो बर्ड ग्रो होता गया फिर क्या हुआ ये जो है पूरी की पूरी एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो गई तो धीरे से यहाँ कट हो जाएगा और ये जो बड़ है वो रिलीज हो जाएगा इन टू न्यू इंडिविजुअल तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा और बड़िंग इन हाइड्रा ठीक है सिमिलरली सिमिलरली अमीबा का जो रिप्रोडक्टिव स्टाइल है ये थोड़ा सा हटके है बेटा अमीबा इज एन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि उसकी पूरी जिंदगी एक ही सेल में खत्म है उसका खाना पीना नाचना गाना सोना एक ही सेल के ऊपर है। लाइक so, दिस like ठीक है इस टाइप की उसकी स्ट्रक्चर है बॉडी की कोई परमेंट उसकी शेप है नहीं न्यूक्लियस है बाकी जो एक नॉर्मल सेल में होनी चाहिए सब कुछ है ठीक है अब अमीबा क्या करता है एक बहुत ही अनोखी स्टाइल से डिवाइड करता है सबसे पहले ये क्या करेगा अमीबा धीरे धीरे अपने सेल में इस टाइप की एक डिप्रेशन बनाएगा ठीक है और ये जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रेच होने लगेगा और इसी में बेटा यही स्ट्रेच होते होते क्या होगा एक टाइम पे इतनी स्ट्रेच हो जाएगी इतनी स्ट्रेच हो जाएगी कि न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ठीक है न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और एक टाइम पे क्या होगा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी चीजें कि ये दो अलग अलग सेल बन जाएंगे दो अलग अलग अमीबा बन जाएगा तो इस टाइप के डिवीज़न को हम कहते हैं बाइनरी फिशन इन अमीबा सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या था बेटा पेरेंट था है ना पेरेंट है फिशन आया इसमें एक डिप्रेशन बना डिप्रेशन आगे बढ़ता गया बढ़ता गया न्यूक्लियस बेटा डिवाइड हो गया और उसके बाद दो अलग अलग डॉटर सेल्स बन गए दैट इज बाइनरी बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है बेटा बाइनरी हियर मींस टू बाइनरी का मतलब होता है टू फिशन का मतलब क्या होता है फिशन का मतलब होता है टूटना दैट इज टू स्प्लिट बाइनरी so, फिशन का मतलब क्या हुआ बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है ऐसा सेक्शुअल सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सेल जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और ये बाइनरी फिशन सिर्फ अमीबा में ही नहीं होता है ये जो बाइनरी फिशन है इज वेरी वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एज वेल ये बैक्टेरिया में भी होता है बैक्टीरिया जो कि एक सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो भी बेटा इसी टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं और ये दोनों टाइप क्या है बोथ ऑफ दैम इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट आप देख सकते हो हाइड्रा में भी एक पेरेंट से ही बन गए थे डॉटर्स और यहां पे भी एक सेल से ही बेटा डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई है ठीक है सो so, इसी टाइप के रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल काफी है आर ऑफ डेस्क असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बेटा इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है लेकिन जाते जाते एक छोटा सा बॉक्स हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे ये जो आपको शिप दिख रहा है सो इट इज एक्चुअली द फर्स्ट क्लोन शिप क्लोन का मतलब है कि हमने यहाँ क्रॉस करवाए थे दो अलग अलग बेटा शिप के वैरायटीज थे ठीक है द नेम ऑफ दिस शिप इज डॉली इनका नाम रखा गया था डॉली दो अलग अलग बेटा शिप के वैरायटीज को क्रॉस किया गया था उनके बीच रिप्रोडक्शन करवाया गया था क्लोनिंग की थी क्लोनिंग का मतलब मिक्सिंग हमने अपने हिसाब से मिक्सिंग किया और उसके बाद इस शिप की प्रोडक्शन हुई और इस शिप की प्रोडक्शन ये थी कि ये दुनिया का सबसे पहला वो बड़ा मैमल था बड़ा आई मीन मैमल इन द सेंस कि ये वो दुनिया के हायर एनिमल्स थे पहले जिसमें इस टाइप की क्लोनिंग की गई थी और ये हुआ था 1926 में तो आज के लिए इतना ही Thank you.